हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मवारी गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा नीट के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपने कोई गलती कर दी है या फिर एडिट करना चाहते हैं कोई फाइनल सबमिशन के बाद, मीन्स आपने पूरा फॉर्म सबमिट कर दिया है, कोई आपने एरर कर दी है या फिर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है या फिर एड्रेस या फिर कैटेगरी कहीं पर भी अगर मिस्टेक कर दी है, उसको कैसे सुधारेंगे और क्या उसका प्रोसीजर, इसी के बारे में वीडियो है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, पहले तो मैंने ये आपको बताया था कि जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करें तो पूरा इन्फॉर्मेशन ब्राउचर एक बार पढ़ लें, उससे आपको क्लियर हो जाता है कि क्या क्या आपको कैसे करना है, जिस तरह से किस बॉक्स में क्या डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, किस तरह से पूरा कोड उसमें दिया रहता है। दोस्तों, फिर भी अगर आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एरर कर रखी है फाइनल सबमिशन के बाद में, तो वो ये पूछ रहे हैं कि कैसे अब उसको एडिट करें फॉर्म को। तो दोस्तों, फॉर्म का एडिट और करेक्शन विंडो है वो कुछ दिनों बाद ओपन होगी। जैसे कि आपको शेड्यूल में दिख रहा होगा कि इसमें करेक्शन विंडो के बीच में कितना टाइम है, कितने बीच के ड्यूरेशन में आप ये करेक्शंस कर सकते हैं और कौन कौन से करेक्शंस जो हैं वो फाइनल कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कि आपका जो करेक्शन है लाइक नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, कॉन्टेक्ट एड्रेस डिटेल्स, कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे जो डिटेल्स हैं ये एक बार अगर आपने एडिट कर दिया, मींस अगर करेक्शन विंडो ओपन हुई, करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद अगर करेक्शन विंडो क्लोज हो गई तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, ये आपका फाइनल कंसीडर किया जाएगा। मींस जो भी आपने नाम भरा या फिर जो भी डेट ऑफ बर्थ भरी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, जैसे लास्ट टाइम में आपके एडमिट कार्ड में कुछ डिटेल्स गलत आ जाती हैं, कुछ डिटेल्स जैसे आपका स्पेलिंग मिस्टेक हो गई या फिर कोई और डिटेल्स जो कि आपने फिलअप नहीं की है वो डिटेल्स आ जाती हैं, तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो कन्फर्मेशन पेज मिलेगा उसका आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, मीन्स उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसी को आपको ईमेल करना पड़ेगा एनटीए को अपनी प्रॉपर डिटेल के साथ में, तो वहाँ पे आपका मॉडिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन कोशिश ये करिए कि करेक्शन विंडो जब ओपन हो तो आप जो भी गलतियाँ अभी तक कर चुके हैं वो सारी जाके मॉडिफाई कर लीजिए, क्योंकि करेक्शन विंडो एक बार क्लोज हो जाएगी तो आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, जो भी डिटेल्स आपने दी है वही फाइनल हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपने अभी एरर की है या गलती की है कहीं पर स्पेलिंग मिस्टेक या कैटेगरी में, तो जब करेक्शन विंडो ओपन होगी कुछ दिनों बाद तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद भी कोई करेक्शन अलाउ नहीं होगा, तो ध्यान से करेक्ट करिएगा आने वाले टाइम में। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, आप में से जो लोग करेक्ट करना चाहते हैं डिटेल वो करेक्ट कर सकते हैं, कुछ दिनों बाद करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मवारी गुरु। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।